नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। 1993 में मुंबई को दहला देने वाले सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में अभियुक्त कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को टाडा की विशेष अदालत ने 2017 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये सजा सुनते ही अबू सलेम फफक कर रो पड़ा था। असल में कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम कभी आजमगढ़ के पास सरायमीर नाम के इलाके में खेलता कूदता सलीमुआ हुआ करता था। सलीमुआ से लेकर अबू सलेम बनने तक की रोचक कहानी जनसत्ता की इस खास पेशकश में। अबू सलेम आजमगढ़ से करीब 35 किलोमीटर दूर सरायमीर का रहने वाला है। इसी सरायमीर की गलियों में कंचा खेल कर पला बड़ा एक साधारण सा लड़का सलीमुआ अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम बन चुका है। अबू सलेम को बचपन में सब सलीमुआ ही बुलाते थे। 1960 के दशक में पठान टोला के छोटे से घर में अधिवक्ता अब्दुल कय्यूम के यहाँ दूसरे बेटे अबू सलेम का जन्म हुआ। अब्दुल कय्यूम वकील होने की वजह से अब्दुल कय्यूम का इलाके में काफी दबदबा था। एक सड़क हादसे में अब्दुल कय्यूम की मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। घर की खराब माली हालत देखकर अबू सलेम को साइकिल ठीक करने की दुकान में नौकरी करनी पड़ी। वो काफी दिनों तक मोटरसाइकिल और साइकिल के पंचर ठीक करता रहा। कुछ दिनों तक उसने नाई का भी काम किया, लेकिन गुजारा ना होने से ऊब कर वह दिल्ली चला गया और वहां पर ड्राइवर की नौकरी करने लगा। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा, जहां वह दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में आया। अनीस से मुलाकात के बाद अबू सलेम की जिंदगी बदल गई और यहीं से शुरू हुई सलीमुआ की डॉन अबू सलेम बनने की कहानी। 12 मार्च 1993 को मुंबई में अलग अलग जगहों पर 12 बम विस्फोट हुए, जिसमें करीब 257 लोगों की मौत हो गई और 713 लोग घायल हुए। इस बम ब्लास्ट में अबू सलेम का नाम आया, उसके बाद वो फरार हो गया। 2002 में भारत ने उसे लिस्बन में पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद अबू सलेम के भारत प्रत्यर्पण के लिए भारत की तरफ से तब के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने लिखित तौर पर पुर्तगाल सरकार और कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि वो 25 साल से अधिक उसे जेल में नहीं रखेंगे और मौत की सजा नहीं देंगे। 2005 में उसे पुर्तगाल से भारत को प्रत्यर्पित किया गया। 2017 में टाडा की विशेष अदालत ने उसे 6 अभियुक्तों के साथ दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। सलीमुआ से अबू सलेम बनने की दास्तान आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।